हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में और आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। अगर दोस्तों आप राजस्थान समाचार पे नए आए हैं तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर से रिटर्न केस आने लगे हैं। केस बढ़ने के साथ ही मरने वालों की संख्या भी पिछले दिनों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखे तो प्रदेश में 1700 केस मिले हैं, जबकि 13 मरीजों इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। इससे पहले 14 फरवरी को राजस्थान में 1100 मरीज ही मिले थे और 15 फरवरी को 1300 मरीज आए थे। राज्य में आज टेस्ट पॉजिटिव रेट भी 1% बढ़कर 4.22% पर पहुंच गई है। राज्य में कुल 40,305 लोगों के आज सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 1702 नए केस मिले हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में फिर से घेराने लगा है कोयला बिजली संकट। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली की किल्लत के हालात बनते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सरकारी बिजली घरों में 3 से 7 दिन का ही कोयला बचा है। कोयला संकट और मेंटेनेंस के कारण फिलहाल प्रदेश में 5 थर्मल पावर प्लांट यूनिट बंद है, जबकि टेम्परेचर बढ़ने और फसलों की सिंचाई के लिए बिजली की डिमांड अब मौसम के हिसाब से बढ़ने लगी है। कोयले की सप्लाई गड़बड़ाते ही कभी भी बिजली घरों में प्रोडक्शन में रुकावट आ सकती है। इससे निपटने के लिए महंगा कोयला खरीदना होगा, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन का खर्चा आम उपभोक्ता के फ्यूल सरचार्ज के तौर पर वसूलने की तैयारी की जा रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। पिछली बार 33 पैसे प्रति यूनिट बिजली फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था, अब की बार ये रेट और बढ़कर आ सकती है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री बोले, बजट में जो चाहो मांग लो, ऐसा मौका फिर से नहीं आने वाला है। राजस्थान में 23 फरवरी को बजट आने जा रहा है। इससे पहले कोई सुझाव देना चाहे तो किसान आयोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में बात कर दे सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर भले ही पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं। पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस आने लगे हैं। राजस्थान में सबसे बड़े हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल की नाक कान गला विंग के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 20 केस मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोई इसमें क्रिटिकल केस नहीं है। वर्तमान में यहाँ 7 मरीज भर्ती हैं और 13 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष को पुलिस ने धक्का देकर गिराया। रीट धांधली की CBI जांच की मांग को लेकर जयपुर में विधानसभा कूच के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को धक्का देने पर सियासी गरमाने लगी है। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी नेताओं को चोट भी आई थी। बताया जा रहा है कि पूनिया और मदन दिलावर को पुलिस वालों ने धक्का देकर बैरिकेड से गिरा दिया था। अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने खुद को धक्का देते हुए पुलिस वालों का वीडियो ट्वीट पर शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि यह धक्का 2023 में कांग्रेस की विदाई का कारण बनेगा। पूनिया ने कहा है कि रीट की CBI जांच की मांग को लेकर हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे, ना रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। दोस्तों ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको इस समाचार चैनल पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।